You cannot change your future, but you can change your habits. And surely your habits will change your future. आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें जरूर बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भोला प्रसाद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल भोला फिटनेस। आज मैं आप लोगों के लिए शरीर के दोष के ऊपर कुछ लेकर गया हूं। शरीर के तीन दोष होते हैं, कफ, वात और पित्त। ये तीनों की तकलीफें अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो शरीर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और शरीर दिक्कत देने लग जाता है। तो इसके बारे में क्या सही है, क्या गलत है, क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कुछ जो बात जानकारी है बातें हैं वो सब मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके सामने पहले आ जाए और आप मेरे वीडियो को पहले देख पाएं। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कुछ पूछना हो बताना तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। शरीर के दोष, एक शरीर में रोग होता है अस्थि क्षय रोग। तो बात कर रहे हैं शरीर के दोष के बारे में, तो एक शरीर में रोग होता है अस्थि क्षय रोग। ये अस्थि क्षय रोग क्या है? ये शरीर का एक ऐसा रोग है जो वात से उत्पन्न होता है। अभी मैंने आपको बताया था हमारे शरीर में तीन दोष होते हैं, कफ, वात और पित्त। तो अस्थि क्षय रोग ये वात से उत्पन्न होता है और ये शरीर में जहां भी होगा उस अंग को ये सुखा देता है। ये रोग ना हो इसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। वीडियो को आप ध्यान से, वात रोग अगर हड्डी में हो गई हो तो हड्डी को ये खोखली कर देती है और पाउडर की तरह भुरभुरी करके हड्डी को खराब कर देती है। वात रोग पोषण के मार्ग को ब्लॉक कर देती है और हड्डी को सुखा कर खराब कर देती है। अस्थि जो मैंने बताया था वो यह है कि भोजन जो हम करते हैं उसके जो पोषक तत्व होते हैं वो हड्डियों को जो पहुंचाते हैं, वो पोषक तत्व जो भोजन से निकलकर जो बनते हुए जाता है वो अग्नि को अस्थि कहते हैं। वात दोष हम शोधन से और पंचकर्मण से ठीक कर सकते हैं। पेट की अग्नि को ठीक करने के लिए, जिससे अस्थि रोग ना हो, इसके लिए हमें शतावर, गिलोय, अश्वगंधा और लक्षादि गुग्गल इनका प्रयोग करना चाहिए। ये जो भी चीजें हैं ये आप अच्छे से जानकारी कर तभी इसका उपयोग करें। दूध, दही, छाछ, सौंठ, तिल, भीगा हुआ मेथी दाना, हल्दी का मिश्रण दूध में सुबह और शाम आप ले सकते हैं शहद मिलाकर। इन सब को लेने से हड्डियां मजबूत होंगी। और मुलेठी बला का भी इस्तेमाल करें। खजूर, अखरोट, किशमिश और भीगा हुआ बादाम खाएं। रात को कोशिश करें जल्दी सो जाने के लिए और तनाव से दूर रहें। और सबसे आखिरी बात यह है कि सुबह उठकर तेल की मालिश करें और फिर आप नहाएं। तो इन सब का आप जो इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, इसी से आपके हड्डियां मजबूत होंगी, वात की प्रॉब्लम नहीं होगी और वात के रोगों से आप दूर रहेंगे। अगर वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया हो तो मेरे वीडियो को आप जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं इसमें से जो भी आप कंफर्टेबल हो उसी का इस्तेमाल करें। और चाहे तो एक बार आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी आप जाकर कंफर्म कर लें, उसके बाद ही इन चीज़ों पर आप फोकस करें। सबसे पहले डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे वीडियो को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोला फिटनेस में बने रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।